भारतीय इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। ऐसा ही जून 1967 में भी हुआ था जब बीजिंग एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में चाइना के रेड गार्ड्स एंड चाइनीज लोग इंडियन एम्बेसी के दो अधिकारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। उन्हें घसीटा जा रहा था और लात घूंसे मारे जा रहे थे। हद तो तब हो गई थी जब दुनिया भर की मीडिया में खबर चलने लगी कि चीन में भारत के दो अधिकारी जासूसी करते पकड़े गए। इस हरकत से हर भारतीय का खून खौल उठा था। जवाब में भारत की सरकार ने भी चाइनीज एम्बेसी के अधिकारियों के साथ यही व्यवहार करके न सिर्फ चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया था कि जब भी बात देश के सम्मान की होगी भारत अपने दुश्मनों के आगे कभी भी नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर चाइना ने इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था और फिर कैसे भारत ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया था। बात 4 जून 1967 की है। चाइना में भारत के एम्बेसी में तैनात 1962 बैच के आईएफएस अधिकारी एंड सेकंड सेक्रेटरी मिस्टर कृष्णन रघुनाथ अपने साथी एंड थर्ड सेक्रेटरी पी विजय के साथ बीजिंग में घूमने के लिए निकले थे। पुरानी इमारतों और खंडरों को देखते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद वो लोग वोफो टेम्पल बीजिंग बोटानिकल गार्डन में गए जहाँ सोते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी, इसीलिए चाइना में इसे स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध से लगाव होने के कारण कृष्णन रघुनाथ इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैप्चर करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि भगवान बुद्ध की फोटो क्लिक करना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह बन जाएगा। अभी मुश्किल से एक दो तस्वीरें ही खींची थी कि पीछे से उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला चीनी सेना के कुछ जवान खड़े थे जिन्होंने कृष्णन रघुनाथ को मंदिर से फोटो खींचते देखा था। दरअसल पास ही चीनी सैनिकों की एक रेजिमेंट थी जहां फोटो खींचना मना था। चीन और भारत के बीच 1962 में हुए वॉर के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। चाइनीज मिलिट्री के सैनिक कृष्णन रघुनाथ और पी विजय दोनों पर जासूसी का आरोप लगाने लगे। बार बार समझाने और सफाई देने के बावजूद चाइनीज आर्मी ने दोनों अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया था। रातों रात पूरी दुनिया भर में ये खबर फैल गई कि चीन में भारत के दो डिप्लोमैट्स जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं। 13 जून 1967 को चाइना के एक कोर्ट में इंडियन एम्बेसी के दोनों सेक्रेटरीज को पेश किया गया जहां पर मामले की सुनवाई होनी थी। वहां 15,000 चीनी लोगों की भीड़ मौजूद थी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। बार बार दलील देने के बाद भी चाइनीज कोर्ट ने दोनों इंडियन सेक्रेटरीज को जासूसी का दोषी करार दिया। कृष्णन रघुनाथ की सारी अथॉरिटी को तुरंत छीन लिया गया। उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करने के साथ ही उन्हें एक दिन बाद चाइना से निकल जाने का आदेश दिया गया। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब ऐसे लोगों से होता है जिन्हें किसी देश में पूरी तरह बैन कर दिया जाता है। यही हाल पी विजय के साथ भी हुआ। उन्हें अगले 72 घंटों में चीन को खाली करने का आदेश सुनाया गया। अगली सुबह होते ही कृष्णन रघुनाथ को बीजिंग एयरपोर्ट से हांगकांग ले जाने की तैयारी हो रही थी। पी विजय को चीन खाली करने के लिए 72 घंटे का टाइम दिया गया था। इसके बावजूद इसी गाड़ी में उन्हें भी बिठा दिया गया था। 14 जून को इंडियन सेक्रेटरीज को हांगकांग एयरपोर्ट ले जाया जाना था क्योंकि हांगकांग से ही दिल्ली की फ्लाइट मिलती थी। खबर मिलते ही बीजिंग एयरपोर्ट पर काफी मात्रा में चीनी लोग इकट्ठे हो चुके थे। जब गाड़ी से उतारकर इंडियन सेक्रेटरीज को एयरपोर्ट तक ले जाया जा रहा था उसी बीच हजारों की संख्या में खड़े चीनियों ने न सिर्फ इन अधिकारियों का अपमान किया बल्कि उनके ऊपर हाथापाई भी की। जब इंडियन ऑफिसर्स हांगकांग जाने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंचे उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद रेड गार्ड्स ने दोनों ही इंडियन डिप्लोमैट्स के साथ मारपीट की। रेड गार्ड्स के अलावा वहां हजारों चीनियों की भीड़ लगी हुई थी। सेकंड सेक्रेटरी कृष्णन रघुनाथ एंड थर्ड सेक्रेटरी पी विजय को हजारों लोगों की भीड़ ने गर्दन और बाह पकड़कर उनके साथ खींचतान की। इतना ही नहीं, उस दिन दूसरे इंडियन डिप्लोमैट्स के साथ भी चीनियों ने बहुत खराब व्यवहार किया। एक और सेक्रेटरी सीवी रंगनाथन को भी चाइनीज क्राउड ने फोर्सफुली सिर झुकाने के लिए मजबूर किया था। इंडियन एम्बेसी के जो भी स्टाफ ने इन दोनों डिप्लोमैट्स को मदद करने की कोशिश की उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। चाइनीज रेड गार्ड भारत के अधिकारियों के साथ मारपीट कर रहे थे। उन पर थूका जा रहा था, लोग गालियां दे रहे थे। इस खींचतान में उनके पैर के जूते तक वही छूट गए। पी विजय के साथ वहां की भीड़ ने बहुत ज्यादा बदसलूकी की। उनके साथ भीड़ द्वारा इतनी खींचतान की गई कि उनके पैरों से जूते तक निकल गए थे और वो बेहोश हो गए थे। एयरपोर्ट के बाहर खड़ी इंडियन एम्बेसी की कारों पर पेंट फेंक दी गई थी। दुनिया भर की मीडिया इस इंसिडेंट को कवर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग इस तरह के व्यवहार के बाद खून का घूंट पी रहे थे। लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा था।
हालांकि भारत में उतरने पर इन दोनों डिप्लोमैट्स को नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हीरोज की तरह स्वागत किया गया। चीन ने भले ही इन दोनों सेक्रेटरीज की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन भारत के अंदर इन्हें एक वीर योद्धा की तरह सम्मान दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत हमारे यहां से एक लेटर चाइनीज गवर्नमेंट को भेजा गया। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखे इस लेटर में इंडिया ने साफ तौर पर चाइना के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन बताया। देश के अंदर चीन की इस घटना पर लोगों का खून खौल रहा था। भारत ने इस बार चीन की इस बर्बरता का बदला लेने का पूरा प्लान बना लिया था। दिल्ली में चाइनीज एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी चेन लूची पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया। भारत में इस मामले को चाइना के जैसे कोर्ट में नहीं चलाया गया, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने अगले ही दिन 14 जून को उन्हें तत्काल इंडिया से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। अब भारत सरकार ने अपना रुख चाइनीज एम्बेसी के थर्ड सेक्रेटरी हेसी चिंग हाओ की ओर किया। उन पर भी भारत के खिलाफ एक्टिविटीज का आरोप लगाया गया और पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके ऑर्डर दिया गया कि 72 घंटे के अंदर वह भारत छोड़ दे। अगले दिन भारी संख्या में गुस्साए भीड़ न्यू दिल्ली में चाइनीज एम्बेसी के बाहर खड़ी थी। एम्बेसी के बाहर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। चाइनीज एम्बेसी की खिड़कियां तोड़ दी गई, गैराज में आग लगा दी गई, लोगों ने चीनी झंडा उखाड़ कर फेंक दिया। लोग इंडियन डिप्लोमैट्स के साथ किए गए इस तरह के व्यवहार से इतना नाराज थे कि न्यू दिल्ली में चाइनीज स्टाफ के साथ हाथापाई करने से भी पीछे नहीं हटे। जो आग चीन ने दुनिया में भारत की छवि को खराब करने के लिए लगाई थी और चीन को लगा था कि भारत 1962 के जैसे इसे भी सहन कर लेगा, लेकिन इस बार चाइना गलत था। भारत ने भी चाइना को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देने का ठान लिया था। चाइनीज एम्बेसी में भी जमकर मारपीट हुई और मारपीट में 7 चाइनीज एम्बेसी स्टाफ्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इंडिया में चाइनीज एम्बेसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन और हाथापाई की खबर जब चाइना तक पहुंची, तो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से चाइना में उस समय के इंडियन एम्बेसडर राम साथे को नोटिस भेजी गई, जिसमें लिखा गया था कि अब चाइनीज गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकती। कुछ ही देर में चाइना के अंदर भारत में चीनी डिप्लोमैट्स के साथ हुई मारपीट की खबर आग की तरह फैल गई। चीन की गुस्साई भीड़ ने राम साथे की आवास पर अटैक कर दिया। भारत और चीन के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। दोनों देशों के लोगों का गुस्सा एक दूसरे के लिए आसमान चढ़ता जा रहा था। दोनों जगह एम्बेसी में होने वाली तोड़फोड़ से अधिकारियों की जान का खतरा भी बढ़ रहा था। सुरक्षा का हवाला देते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसडर राम साथे को हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया था और उन्हें कहीं भी बाहर आने जाने से मना कर दिया गया था। इसके बाद इधर नई दिल्ली में इंडियन गवर्नमेंट की ओर से चाइनीज एम्बेसी में आर्मी तैनात कर दी गई। एम्बेसी के अंदर मौजूद अधिकारियों एंड चाइनीज स्टाफ को बाहर निकलने से पूरी तरह मना कर दिया गया। उन्हें भी एम्बेसी में हाउस अरेस्ट के कंडीशन पर रख दिया गया था। हालांकि इस दौरान भी चाइना भारत को तरह तरह से धमकाने में पीछे नहीं था, लेकिन भारत का रुख साफ था। ये भारत 1962 से बाहर आ चुका था और अब किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। चाइना की भारत को धमकाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। भारत के अंदर अपने अधिकारियों की हालत देखकर चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक फ्लाइट भारत में भेजने का निर्णय लिया, जिससे वह चीनी एम्बेसडर्स को भारत से निकाल सके। फिर भारत सरकार ने भी सेम यही डिमांड की, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट ने डिनाय कर दिया। इसके बाद भारत ने भी उनके लोग लौटाने से मना कर दिया। इसके बाद जब चाइनीज एयरक्राफ्ट अपने डिप्लोमैट्स को वापस ले जाने के लिए दिल्ली में उतरी, तब दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी रिफ्यूलिंग रोक दी गई। अंत में दोनों देशों की आपसी बातचीत के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा 21 जून को इंजर्ड चाइनीज सेक्रेटरी हेसी चेंग हाओ को दिल्ली छोड़ने के लिए अलाउ कर दिया गया, जबकि एक और सेक्रेटरी चेन लूची को 3 और दिनों तक भारत सरकार ने अपने अंडर में रखा था। इन 3 दिनों में बीजिंग में इंडियन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन रोक दिया गया था। इंडियन एम्बेसडर राम साथे और एम्बेसी के अधिकारियों के ऊपर से लगी पाबंदियां हटा दी गई थी। भारत की ओर से भी ऐसा ही जवाब दिया गया और अपने सारे सैनिकों को चाइनीज एम्बेसी से बुला लिया गया था। जब चाइना के दूसरे सेक्रेटरीज को चाइना ले जाने के लिए एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था, उस समय इंडियन मिलिट्री ने दोनों सेक्रेटरीज को ठीक वैसे ही एयरपोर्ट के चारों तरफ घुमाया था जैसे चीन ने इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों के साथ बीजिंग एयरपोर्ट पर किया था। और इस तरह भारत ने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और बदलते भारत की तस्वीर को दुनिया के सामने एक अलग नजरिए से पेश किया था।
हालांकि जून में हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भले ही दिखावे के लिए पीस बहाल हो गई, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और जल्दी ही भारत के नॉर्थ ईस्ट एरियाज में चाइनीज मिलिट्री के इन्फिल्ट्रेशन होने लगे। उसी साल अगस्त 1967 में भारत के सिक्किम में कई चाइनीज ट्रूप्स देखे गए। इसके बाद इंडियन आर्मी ने चाइनीज कमांडर्स को कई वर्बल वार्निंग्स भेजे, जिसके बाद चाइनीज मिलिट्री ने वहां से अपने सैनिकों को विड्रॉ कर लिया। चाइना नाथुला को अपना हिस्सा मानता था और वो चाहता था कि इंडिया नाथुला से अपनी सेना हटा ले। 20th अगस्त 1967 को इंडिया ने अपने बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर पर 3-लेयर बार्ब्ड वायर लगाना स्टार्ट कर दिया। 3 दिन बाद ही चाइनीज पीएलए के 75 सैनिकों ने बॉर्डर पर पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल एक बार फिर टेंस हो गया और वायर लगाने का काम रोक दिया गया। 6 और 7 सितंबर को नाथुला में जब हमारे देश की सेना बॉर्डर पेट्रोलिंग कर रही थी, उस समय चाइनीज मिलिट्री ने एक बार फिर पेट्रोलिंग का विरोध किया। इस बार चाइना की ओर पेट्रोलिंग करते भारतीय सैनिकों पर पत्थर भी फेंके गए। इसके बाद चाइनीज आर्मी अपने टेरिटरी लौट गई। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर नाथुला पोस्ट बाउंड्री के पास वायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तुरंत 11 सितंबर को जब वायरिंग का काम शुरू हुआ तब चाइनीज आर्मी ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। इस मामले को पीसफुली सॉल्व करने के लिए लोकल इन्फेंट्री बटालियन के ब्रिगेडियर राय सिंह चाइनीज आर्मी से बात करने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन चाइना की आर्मी ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ब्रिगेडियर राय सिंह को इंजर्ड देखकर इंडियन आर्मी का खून खौल उठा। जवाब में इंडियन आर्मी ने भी फायरिंग शुरू कर दिया और पूरे चाइनीज बंकर्स को उड़ा दिया। 11 से 15 सितंबर तक चले इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को अपने 340 से ज्यादा सिपाहियों की कुर्बानी के अलावा हार का भी सामना करना पड़ा। ऑलमोस्ट 450 से अधिक चीनी सैनिक घायल हो गए थे। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे भी लगभग 88 सैनिक शहीद हो गए थे। इतने बड़े ह्यूमिलिएशन के बाद चाइना ने ठीक 20 दिन बाद 1st अक्टूबर 1967 को नाथुला से कुछ किलोमीटर दूर नॉर्थ में चोला पर फेस ऑफ स्टार्ट कर दिया। चाइना चोला को भी अपनी टेरिटरी का पार्ट मानता था। पहले तो इंडियन आर्मी ने वर्बल कम्युनिकेशन करना सही समझा, लेकिन जब चीनियों ने फायरिंग करना स्टार्ट किया तो भारत के जवानों ने फेस ऑफ करना ही ठीक समझा। शुरुआत में तो चीनी सेना ने 7-11 गोरखा और 10 जम्मू कश्मीर राइफल के सैनिकों को कुछ नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे कॉन्फ्लिक्ट की दिशा बदल कर रख दी। भारतीय जवानों ने इस तरह से फायरिंग स्टार्ट की कि चीन की सेना को 3 किलोमीटर तक पीछे भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। नाथुला और चोला में हुई चीनियों से झड़प में भारत ने अपनी टेरिटरी को गेन कर लिया और चीनियों को मार भगाया। इन दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स में 400 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे और चीनियों को भारत की ताकत का एहसास भी हो गया था। और इसका रिजल्ट ये हुआ, इन दो बैटल्स में हार मिलने के बाद चाइनीज मिलिट्री लंबे समय तक भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स में नहीं आई।